नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के हिसार में बेटियों और बहुओं को पुरुषों के बराबर समान दर्जा देने के लिए लाडो स्वाभिमान उत्सव की शुरुआत की गई है। इसके तहत हिसार जिले के 10 गांव में बहुओं और बेटियों के नाम से 250 से अधिक नेम प्लेट लगाई गई हैं। आपको बता दें कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सर्वे विद डॉटर के लाडो स्वाभिमान उत्सव से महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाना है। महिलाएं अब खुद इस अभियान से जुड़कर बेटियों और बहुओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इस अभियान में जींद के गांव बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील कुमार जागलान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सुनील कुमार ने कहा कि बेटियों और बहुओं को इस अभियान से जोड़ते हुए महिला सशक्तिकरण पर देश प्रदेश में काम कर रहे हैं। हिसार के मैयर गांव में बेटियों और बहू के नाम से घरों पर सेल्फी विद डॉटर लाडो स्वाभिमान उत्सव को बहू और बेटियों के नाम कर घरों के बाहर नेम प्लेट लगाई जा रही है। हिसार जिले के 10 गांव में 250 से अधिक नेम प्लेट लगाई जा चुकी है। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, वर्ष 2010 से हम महिला सशक्तिकरण के विषय पर काम कर रहे हैं और उसी सिलसिले को देश प्रदेश के हिस्से में आगे बढ़ाते हुए हिसार जिले के मैयड़ गांव में ये शुरुआत की गई है। यहाँ पर बेटियों और बहुओं के नाम से नेम प्लेट लगानी शुरू की है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि हमारी पितृसत्ता उत्तर भारत, क्या कहें, पूरे देश के अंदर ही लंबे समय से काबिज रही है। लड़कियों के चेहरे पर भी एक प्रकार से स्थायी मुस्कान स्थापित हो सके, उसके लिए ये अभियान लाडो स्वाभिमान उत्सव शुरू किया गया, जिसके तहत बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगाई जा रही हैं। और हिसार ज़िले के 10 गांव में अभी तक 250 के करीब नेम प्लेट, साथ में हमारी सहयोगी संस्था जिंदल स्टेनलेस फाउंडेशन है, उनके साथ मिलके हम इन 10 गांव में महिला सशक्तिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास का मॉडल स्थापित करने जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास हमारा ऐसा मॉडल है जिसको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा भी सराहा गया और उनके द्वारा गोद लिए गए 100 गांव में भी इस मॉडल को लागू किया गया। तो मुझे विश्वास है कि इस ऐतिहासिक गांव मैयड़ से की गई जो शुरुआत है वो हिसार में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास दोनों ध्यायों को स्थापित करेगी। क्या है कि जो पितृसत्ता के काबिज होने की बात है वो शुरू से ही रही है, और क्योंकि बदलाव हमारे देश में सबसे ज़्यादा चल रहा है आज के समय में, तो हम सोचते हैं इसके साथ एक सकारात्मक सोच ये भी बने कि हमारी महिलाओं को भी स्थान मिले। देखिए, एक घर में एक महिला सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करती है, लेकिन जब कोई आर्थिक सर्वेक्षण वाला व्यक्ति घर पर सर्वेक्षण के लिए आता है और पूछा जाता है ये क्या करती है, तो कह देते हैं हाउसवाइफ है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण में देश में उसकी कमाई 0 रुपये जाती है, जबकि मैं मानता हूं कि एक महिला जो दिन में, पूरे दिन में जो काम करती है उसकी तनख्वाह कम से कम एक कंपनी के CEO के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इतनी स्किल का काम वो घर पे करती है। अगर हम पुरुषों को करना पड़े तो जाहिर बात है पूरे महीने के लिए हम 25 से 30 हज़ार रुपये में इतना सारा काम नहीं करेंगे। तो वही एक एहसास, खुशी और एक स्थायित्व दिलाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। 2015 से जब मैं सरपंच था तो मेरे गांव बीबीपुर से इस अभियान की शुरुआत हमने नेम प्लेट लगाने की शुरू की थी। मेरे गांव में कुछ लोगों ने इसका विरोध भी कर दिया था। ये नहीं है कि कोई नई शुरुआत होती है उसको सभी स्वीकार करते हैं, और आज 2021 तक हम करीबन 16,000 से ज़्यादा नेम प्लेट हरियाणा के अलावा हमारे जो साथी राज्य हैं जिनमें उत्तर प्रदेश है और पंजाब है और उसके अलावा उत्तराखंड है, उन हिमाचल है, उन राज्यों में भी नेम प्लेट लगा चुके हैं। और काफ़ी सारे साथी ऐसे हैं, संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने स्व प्रेरित होकर नेम प्लेट लगानी शुरू की है। तो इससे मुझे एक बात बिल्कुल विश्वसनीय हो जाती है कि जो बदलाव है वो आ चुका है। महिलाएं और लड़कियां अपने हकों के प्रति जागरूक हैं, और कुछ अच्छे पुरुष भी हैं जिनको एहसास हो चुका है कि लंबा समय बीत चुका है और महिलाओं के। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।